सुकरात कहते हैं कि आप जितने शांत रहेंगे उतना ही अधिक सुन सकेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 जगहों के बारे में जहां शांति बनाए रखना बात करने से ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, शांति सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए, देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी 10 जगहें हैं जहां हमें अपनी आवाज पर कंट्रोल रखना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की। मंदिर वो जगह होती है जहां हम सब अपने मन को शांत करने, भगवान से जुड़ने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। ऐसे में अगर हम ही शोर मचाएंगे तो न तो हमें शांति मिलेगी और न ही दूसरों को। कल्पना कीजिए, आप मंदिर गए हैं, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है और आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए ही सही आपको शांति मिले। लेकिन वहां पहुंचते ही आपको इतना शोर सुनाई दे, लोग जोर जोर से बात कर रहे हों, बच्चे रो रहे हों, तो क्या आपको शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोस्तों, मंदिर में हमेशा धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और हो सके तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चुप्पी में ही असली ताकत होती है। और जहां तक हो सके, अपने मोबाइल फोन को भी साइलेंट पर रखें, ताकि किसी की प्रार्थना में खलल ना पड़े। याद रखिए, मंदिर में हम भगवान के घर जाते हैं, अपने घर नहीं। और घर में तो हम जैसे चाहें रह सकते हैं, लेकिन भगवान के घर में हमें उनके बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं, तो शांति बनाए रखें और दूसरों को भी शांति से प्रार्थना करने दें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की जगह की, जो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को तो हम किताबों का मंदिर कह सकते हैं। यहां पर लोग नई नई चीजें सीखने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर लाइब्रेरी में ही शोर होता रहे तो किसी का ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। जरा सोचो, आप किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके बगल वाला जोर जोर से गाना गा रहा है या फिर फोन पर बात कर रहा है, क्या आप पार एच पाएंगे? मुश्किल है ना। इसलिए दोस्तों, लाइब्रेरी में हमेशा शांत रहना चाहिए। अगर आपको किसी से बात करनी ही है तो बहुत धीमी आवाज में करें या फिर बाहर जाकर बात कर लें। और हां, लाइब्रेरी में तो मोबाइल फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन की घंटी या फिर नोटिफिकेशन साउंड से दूसरों का ध्यान भंग हो सकता है। अगर आपको मोबाइल फोन यूज करना ही है तो उसे साइलेंट मोड पर रखें और कॉल आने पर बाहर जाकर बात करें। याद रखिए, लाइब्रेरी में शांति बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब भी आप लाइब्रेरी जाएं, तो खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने दें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है अस्पताल। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई होती रहती है। यहां पर मरीज अपने आप को ठीक करवाने के लिए आते हैं और उनके परिवार वाले अपने प्यारों के जल्दी से जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं। ऐसे में अगर हम अस्पताल में शोर मचाएंगे तो इससे मरीजों को परेशानी होगी और उनके ठीक होने में भी देरी लग सकती है। जरा सोचो, कोई मरीज बहुत तकलीफ में है और उसे आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन बाहर से लगातार शोर आ रहा है, क्या उसे आराम मिल पाएगा? नहीं ना। इसलिए दोस्तों, अस्पताल में तो हमें खास तौर पर शांत रहना चाहिए। अपनी आवाज धीमी रखें, मोबाइल फोन को साइलेंट पर रखें और बच्चों को भी शोर नहीं मचाने दें। याद रखिए, अस्पताल में शांति बनाए रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि यहां पर किसी की जान खतरे में होती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है पूजा स्थल। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या फिर किसी भी धर्म का पूजा स्थल, हमें सब जगह शांत रहना चाहिए, क्योंकि हर धर्म शांति का संदेश देता है और शांति ही सबसे बड़ी पूजा है। पूजा स्थल वो जगह होती है जहां पर लोग अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए आते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर हम ही शोर मचाएंगे तो न तो हमें शांति मिलेगी और न ही दूसरों को। इसलिए दोस्तों, किसी भी धर्म के पूजा स्थल पर जाएं तो वहां की मर्यादा का पालन करें और शांति बनाए रखें। याद रखिए, शांति से बोला गया एक शब्द भी ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। पांचवें नंबर पर है ध्यान केंद्र। आज के समय में
जब हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं तो मन को शांत रखना बहुत जरूरी हो गया है। और ध्यान केंद्र हमें यही सिखाते हैं कि हम कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। ध्यान केंद्र में लोग घंटों बैठकर ध्यान करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं। ऐसे में अगर कोई शोर करेगा तो उनका ध्यान भंग होगा और उनका सारा ध्यान भंग हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, ध्यान केंद्र में तो हमें बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन की वाइब्रेशन भी ऑफ कर देनी चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। छठे नंबर पर है कोर्टरूम। कोर्टरूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसाफ की गुहार सुनी जाती है। यहां पर जज साहब सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं और गलत को एज्जा और सही को इंसाफ मिलता है। ऐसे में अगर कोर्टरूम में शोर होगा तो जज साहब केस को ठीक से नहीं सुन पाएंगे और हो सकता है कि इस चक्कर में किसी बेगुनाह को सजा मिल जाए या फिर किसी गुनाहगार को छोड़ दिया जाए। इसलिए दोस्तों, कोर्टरूम में तो हमें बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए, यहां तक कि हमें अपने मोबाइल फोन को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि कोर्ट के काम में कोई खलल ना पड़े। सातवें नंबर पर है अंतिम संस्कार स्थल। ये वो जगह होती है जहां हम अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं। ऐसे में शोर मचाना तो दूर की बात है, हमें तो यहां पर अपने कदमों की आहट भी नहीं आने देनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसके परिवार वालों के लिए ये बहुत ही दुख की घड़ी होती है। ऐसे में अगर हम शोर मचाएंगे तो उनके दुख को और बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों, अंतिम संस्कार स्थल पर तो हमें बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए। अपने आंसू तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी आवाज को जरूर कंट्रोल में रख सकते हैं। आठवें नंबर पर है परीक्षा हॉल। परीक्षा हॉल में छात्र अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा हॉल में शोर होगा तो छात्रों का ध्यान भंग होगा और वो अपनी परीक्षा ठीक से नहीं दे पाएंगे। छात्रों ने जो कुछ भी पढ़ा होता है वो सब उनके दिमाग में घूमने लगता है परीक्षा के दौरान। ऐसे में अगर कोई शोर करेगा तो उनका सारा ध्यान भंग हो जाएगा और वो अपनी परीक्षा खराब कर बैठेंगे। इसलिए दोस्तों, परीक्षा हॉल में तो हमें बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए, यहां तक कि अपनी सांसों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि किसी छात्र का ध्यान भंग ना हो। नौवें नंबर पर है संग्रहालय। संग्रहालय में हमें अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, अपनी संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। यहां पर हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं जो शायद हमें किताबों में पढ़ने को भी ना मिले। ऐसे में अगर हम संग्रहालय में शोर मचाएंगे तो न तो हम खुद ही कुछ सीख पाएंगे और न ही दूसरों को सीखने देंगे। संग्रहालय में रखी हर एक चीज की एक कहानी होती है और अगर हम शांत रहेंगे तो ही उस कहानी को सुन पाएंगे। इसलिए दोस्तों, संग्रहालय में तो हमें बहुत ही धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और हो सके तो चुप रहकर ही सब कुछ देखना और समझना चाहिए। और अंत में दसवें नंबर पर है चर्च। चर्च ईसाई धर्म का पूजा स्थल होता है जहां लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए आते हैं। चर्च में भी हमें वही शांति और पवित्रता मिलती है जो हमें किसी मंदिर या मस्जिद में मिलती है। यहां पर लोग अपने दुखों को ईश्वर के सामने रखते हैं, अपनी खुशियों को ईश्वर के साथ बांटते हैं। ऐसे में अगर हम शोर मचाएंगे तो उनकी प्रार्थना में खलल पड़ेगा और उनका ध्यान भंग होगा। इसलिए दोस्तों, चर्च में भी हमें शांत रहना चाहिए और दूसरों को भी शांति से प्रार्थना करने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 जगहें जहां हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। याद रखिए, शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। और ये एहसास, ये अनुभव हमें तब होता है जब हम खुद भी शांत रहते हैं और दूसरों को भी शांत रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।